अस्सलाम जी, मैं हूँ मलिक अंसर। आप देख रहे हैं ड्राइविंग कोर्स। जी जनाब, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आप लंबे सफ़र पे निकल रहे हैं, कहीं लॉन्ग रूट पे निकल रहे हैं, तो आपको क्या क्या चीज़ें चेक करनी चाहिए गाड़ी में। तो चलें जी, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। यहाँ पे, यहाँ से आपने बोनट खोलना है इसका। ये खुल गया, तो चलते हैं जी अब इंजन। जी दोस्तों, ये जैसे कि आप देख रहे हैं, ये लीवर लगा हुआ है। ये हम इसको ऊपर ऐसे दबाएंगे तो इंजन हमारा ओपन हो गया। और जो है ये उठाएंगे और लगा देंगे, ठीक है जी। तो मेन ही चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये रेडिएटर है। यहाँ पे आप इसका कूलेंट वगैरह यहाँ से आप डाल सकते हैं, ठीक है जी। जब भी आप कहीं लंबे सफ़र पे जा रहे हैं तो आप इसको इसको चेक कर सकते हैं। यहाँ से कूलेंट वगैरह आपका पूरा है। यहाँ से आप अपना इंजन ऑयल वगैरह चेक कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से आप इंजन ऑयल डालते हैं, ठीक है जी। और ये जो होता है ना जनाब, ये होता है हमारा वेपर का पानी, जो हमारे शीशे पे मच्छर वगैरह आ जाते हैं, तो इसमें सर्फ़ वाला पानी बना के डाला होता है इसमें, जो शैम्पू का पानी या कोई सर्फ वाला वो बना के डालते हैं। तो इसमें हमारा जो ये बॉक्स लगा हुआ है, इसमें कूलेंट हमें पता चलता है कितना है कितना नहीं, ठीक है। तो अब ड्राई बैटरी है, इसको रोज़ाना आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अदरवाइज़ आप इसके टर्मिनल वगैरह आप इसको चेक कर सकते हैं। जैसे कि ये देखे ना, जंग लगा हुआ है, तो आप इस पे हल्की सी कोई ग्रीस वगैरह ये इस तरह की चीज़ आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आपका होता है एयर फिल्टर। जब भी आप जा रहे हैं सफ़र पे, तो आप इसको एयर फिल्टर को निकाल के यहाँ से, और एक इसका क्लिप यहाँ पे लगा हुआ है, ये यहाँ से इसको ये खुल गया, और ये आपका एयर फिल्टर रहता है। इसको निकाल के अच्छे से साफ करवा के फिर जो है ना, आप इसको ऐसे फिर बंद कर दें, ठीक है जी। इसका लीवर होता है, जो हम जब बोनट खोलते हैं तो नीचे से हाथ डाल के, तो हम इसको ऊपर की तरफ ऐसे करते हैं, तो ये हमारा बोनट खुल जाता है, ठीक है। बंद करना है तो इसको हल्का सा ऊपर उठाना है ऐसे, ठीक है। और फिर आपने ये निकाला है, ठीक है। तो फिर हम इसको दोबारा से यहाँ पे ये ऐसे लगा देंगे, और ये हम बोनट को ये ऐसे थोड़ा सा ज़ोर से फेंकेंगे, तो ये बंद। आप पेट्रोल वगैरह डलवाते हैं तो आपका ये यहाँ पे दिया हुआ है, ये ऊपर वाला ये पेट्रोल का है, नीचे ये ट्रंक का है डिक्की का। इसको ऊपर की तरफ दबाएंगे तो डिक्की खुल जाएगी, यहाँ से आप इसको। जी हम अब इंजन से फारिग हो गए हैं, तो हमने सब, और उसके बाद हमने क्या करना है, अपने टायरों की जो है ना हवा, वो बराबर रखवानी है। टायरों की हवा आपने कितनी रखनी है, 30-30 पाउंड आपने रखनी है चारों टायरों में, ठीक है। चारों टायर आप इसके हवा आप इसकी चेक करवा लें, 30-30 पाउंड आपकी हवा होनी चाहिए जी जनाब। उसके बाद आपने देखना है अपना स्टेपनी, मतलब के स्पेयर टायर को देखना है, ये पेंचर वगैरह तो नहीं है, हवा इसकी पूरी है, ठीक है। पाना चेक कर लेना है आपने, जैक चेक करना है, जैक राड देख लेना है, ये सारी चीज़ें आपकी पूरी हैं, तो ये भी आपके लिए ज़रूरी है। खुदा ना खास्ता रास्ते में कोई मसला हो सकता है, गाड़ी पंचर हो सकती है, टायर ब्लास्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो आपकी स्टपड़ी वगैरह ये ज़रूरी चीज़ें ये आपकी होनी चाहिए गाड़ी में।